बहुत ज़्यादा गर्मी है घर में, टेम्परेचर वगैरह भी इतना मुश्किल हो रहा है ना सर्वाइव करना इस टेम्परेचर में। जैसे बिना एसी के अगर आप बाहर निकलने की कोशिश करो तो पॉसिबल नहीं है, बच्चे के साथ तो बहुत ही पॉसिबल नहीं है। अगर बच्चे का नॉर्मल टेम्परेचर में कहीं पर भी बाहर आता है तो ही और शी स्टार्ट्स क्राइंग एंड मेक्स अस इरिटेटेड, बहुत मुश्किल हो जाता है। जी जी, हम छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं और यहाँ जैसे कि वहाँ पे इतना टेम्परेचर, यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और डस्ट एनवायरनमेंट तो और भी ज़्यादा वर्स्ट है गर्मी की वजह से, तो बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ दिक्कत हुई है। थोड़ा सा गर्मी है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुई है गर्मी की वजह से, बाकी जो रोज़ादार के लिए उनके कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अल्लाह का हुक्म है वो रख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उमूमन देखेंगे पूरा हिंदुस्तान में इस बार थोड़ा सा गर्मी है, माहौल की वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत इसलिए हुई है। ये तो है, रिकॉर्ड तो टूटा है काफ़ी लास्ट ईयर से ज़्यादा, इस साल गर्मी ज़्यादा हुई है। अगर आप देखेंगे डेली आपके न्यूज़पेपर में आता है, इस बार 45 से भी आपका डिग्री से भी ऊपर अपना जज्बा का गया है, और डेफिनेटली आने वाले सालों में ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और डेफिनेटली अगर यही सब हमारी चीज़ें हैं कि अगर हम कुछ ज़्यादा फीस पे अपना ध्यान दें पेड़ पौधों पर तभी ये बच सकते हैं, अदरवाइज कोई सोल्यूशन नहीं है और ये हर साल बढ़ता ही जाएगा।